न्यूटन स्टडी, आई एम मिस्टर पीएन सिंह, माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एचडी जैन कॉलेज आरा। आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स ऑफ क्लास 9th। टुडे टॉपिक इज हाउ मच वर्क इज डन when the body moves at an angle to the direction of the force, how much work is done when the body moves at an angle to the direction of the force. This topic is related to chapter work, energy and power. The topic is how much work is done when the body moves at an angle to the direction of the force. It means that in some cases we apply a force on a body in different direction and the displacement takes place in other direction. It means that in some cases we apply force on a body in a direction and the displacement takes place in other direction. Suppose a boy is pulling a toy car with the help of a string. Suppose a boy is pulling a toy car with the help of a string. In this case, the boy applies a force on the body in a direction and the displacement takes place in other direction, which is clear by the following figure. Suppose AP is the direction of the force which is applied by the boy. Suppose AP is the string on which a boy is applying force and pulls the toy, while the displacement takes place in AB direction. Such this, the angle is formed between applying force by the boy and the displacement. Is equal to theta. In this case, how will you find the work done by the boy? In these conditions, work done is given by force into projection of the actual displacement on the line of the action of the force. Work is equal to work force into projection of the actual displacement on the line of the action of the force. Displacement of the body AB is equal to S. Displacement of the body AB is equal to S.
प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द एक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू ए पी. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू ए पी. इट मीन्स दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू ए पी. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू प्रोजेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इट मीन्स दैट ए पी. सिंस ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री इज एट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इन ट्रायंगल ए पी बी cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटनेस. इन दिस ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा पी बी इज द परपेंडिकुलर, पी ए इज इक्वल टू बेस एंड ए बी इज इक्वल टू हाइपोटनेस. सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटनेस ए पी बाई ए बी. सो ए पी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ए पी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू एस, द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज एस. सो ए पी इज इक्वल टू एस cos थीटा, ए पी इज इक्वल टू एस cos थीटा. हेंस वर्क इज इक्वल टू ए इंटू एस cos थीटा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट ऑफ द फोर्स, वेयर थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस कॉस जीरो, द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, वर्क इज इक्वल टू एफ एस. इट मीन्स दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 90 डिग्री. सिंस द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, सो वर्क इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू
जीरो. सपोज लेट अ मैन इज स्टैंडिंग कैरिंग ए सूटकेस इन हिज हैंड और ऑन हिज हेड. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग कैरिंग अ सूटकेस इन हिज हैंड और ऑन हिज हेड और वॉकिंग हॉरिजेंटली ऑन द ग्राउंड. इन दिस केस द एंगल फॉर्म बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स बाई द मैन इज 90 degree. द वैल्यू ऑफ cos 90 degree इज इक्वल टू जीरो. हेंस द वर्क डन बाय द मैन इज इक्वल टू जीरो. सिंस द एंगल फॉर्म बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 degree, सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग. I will see you in next video with new topics. At last, I say you must subscribe, like and share Newton Study. If you subscribe, like and share Newton Study, you become a member of my family and I encourage and get energy for this. So, at last, I say again and again, you subscribe and like Newton Study. Thank you.